सब्सक्राइब करें अलका कश्यप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्रोशेट एंड निटिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस तरह का निटिंग डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को हम अपने किसी भी स्वेटर में, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, पजामे में, टोपी में या किसी में भी, जिसमें भी हम अपने किसी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को बनाना चाहें बना सकते हैं। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला डिज़ाइन है। और देखिए किस तरह से लहरिए की तरह ऊपर चल रहा है। आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे इस वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे विजिट जरूर करें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आइए इस वीडियो की, इस डिज़ाइन की बात करते हैं। इसे मैंने नीचे से देखिए बॉर्डर बनाया हुआ है, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और उसके ऊपर एक सिलाई सीधी और उल्टी बनाने के बाद ये डिज़ाइन शुरू किया हुआ है। ये देखिए इस डिज़ाइन में ऐसा है कि ये डिज़ाइन इस तरह से जाके फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यूँ घूम रहा है, फिर ऐसे और फिर इस तरह से जिग जैग की तरह बनता जा रहा है ये डिज़ाइन। और इसमें ऐसा है कि इसमें मैंने इन फंदों के बीच में, इन जो ये लहरिए हैं इनके बीच में मैंने चार चार फंदों का गैप छोड़ा हुआ है। ये गैप आप अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे आप दो दो भी छोड़ सकते हैं, तीन तीन भी छोड़ सकते हैं, या आप अपनी इच्छा से इसे बढ़ा के पाँच या छः भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। ये देखिए देखने में ये डिज़ाइन इस तरह से दिखाई दे रहा है। बहुत उठा हुआ, ऊपर को उभरा हुआ डिज़ाइन आएगा ये, और बनाने में बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं इसमें आपको ये एक बनाना बताऊंगी। इसमें मैंने ये 12 फंदे लिए, चार फंदे मैं इधर के लिए, चार फंदे इधर के और बीच के चार फंदों में ये डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये मैं आपको बॉर्डर बना के और फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने दो लाइनों का ये बॉर्डर बना लिया, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। इस तरह से मैंने इसमें दो लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। तो अब हम इसमें धागा पहले अपना ऐसे ही उतार लेंगे, इसको ऐसे ही उतार लेना धागे को। और अब हमने तीन फंदे उल्टे बुने, 1 2 3 4, ये तीन फंदे उल्टे बुने हमने। अब हम धागे को उधर लेके जाएंगे। अब देखिए हमने बीच के चार फंदों में ये डिज़ाइन बनाना है, तो पहले हम ये दो फंदे बुनेंगे पीछे वाले सीधे, इस तरह से इसको और उसके बाद हमने आगे वाले दो फंदों को सीधा बुनना है इस तरह से, और ये हम ऐसे उतार देंगे। इसे हम सिलाई पे भी कर सकते हैं। अगली उसमें मैं आपको दूसरी तरह से बताती हूँ। ये देखिए अगले आगे के चार फंदे हमने फिर से उल्टे बुन लेने हैं इस तरह। अब हमने अगली सिलाई, इसमें ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये सारी हमने धागा अपनी तरफ लेके आना है, और ये बिना बुना उतार के इसको हमने उल्टा बुनना है। ये इसकी दूसरी लाइन है, आप देखिए इसमें हम इसमें इस तरह से दिखाई दे रही है। ये देखिए ये बीच के दो फंदे इधर को जा रहे हैं। तो ये देखिए ये हमने फंदा ऐसे उतार लिया, धागे को, ये फंदा हमने उतारा और धागे को अपनी तरफ लेके आए। अब हमने ये चार फंदे उल्टे बुनने, 1 2 3 4, ये देखिए ये 4 फंदे हो गए। अब हम धागे को उधर लेके जाएंगे और बीच के जो चार फंदे हैं उन्हें भी इसी तरह से सीधा बुन लेंगे। अब हमने फंदों की पलटा पलटी इस लाइन में, तीसरी लाइन में नहीं करनी है। और अब हम धागा अपनी तरफ लाके ये चार फंदे उल्टे बना लेंगे, 4। अभी इसकी चौथी लाइन आ गई, धागे को अपनी तरफ लेके आना है। अभी सारी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। इस तरह से ये उल्टी बुन ली हमने। अब हम इसकी पांचवी सिलाई में आ गए। देखिए ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी पांचवी सिलाई में हैं। अब हमने
ये धागा अपनी तरफ लेके आना है और इसको हमने उल्टा बुन लेंगे, दो तीन चार। आप देखिए ये जो दो फंदे इसके इधर आ गए हैं, इन्हें हमने इधर लेके जाना है इस साइड में, और ये जो दो फंदे हैं इन्हें हमने पहले लेके आना है। तो ये वाले फंदे जो दो हैं इन्हें हमने ऊपर की तरफ रखना है। ये आपने बात नोट रखनी है इसमें कि ये जो दो फंदे जिनसे हम ये लहरिया बना रहे हैं वो हर बारी में ऊपर की तरफ रखने हैं। धागे उधर लेके जाएंगे। आप देखिए हम पहले ये वाला फंदा बुन लेते हैं सीधा, और उसके बाद हम ये वाला फंदा बुन लेते हैं सीधा पीछे की साइड से, और अब हमने ये आगे के दो फंदे बुनने हैं इस तरह से। अब हम चारों फंदों को उतार देंगे। ये देखिए ये इधर को घूम रहा है। अब हम धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन्हें पलट देंगे इस तरह से। ये इधर को जा रहा है, देखिए इस साइड को इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी उल्टी सिलाई में आ गए। ये इसकी छठी सिलाई है, सिक्स्थ रो है। इसको हमने सारा देखिए ये हमारे पास उल्टी सिलाई सारी उल्टी बुनी गई। अब हम इसकी फिर से सीधी सिलाई में है। आप देखिए इसमें हम धागे को अपनी तरफ लाएंगे और धागे को हम अपनी तरफ लाएंगे और ये सीधे बुने जाएंगे। चार फंदे उल्टे बुनने हैं हमने इस तरह से, चार फंदे उल्टे बुन लेने। हम धागा उधर लेके जाएंगे और ये दो सिलाइयाँ हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, एक सीधी और एक उल्टी। अब ये चार फंदे हमारे, इनको उल्टा। धागा अगली सिलाई उल्टी, सारी उल्टी बुनी जाएगी। अब ये इसकी अगली सिलाई आगे देखिए। अब हमारे पास ये डिज़ाइन इधर को चला गया। अब हमने इन दो फंदों को इधर लेके आना है। इसके लिए हम ये इसमें चार फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब फिर से वैसे ही रिपीट है। हमने अब ये वाली जो फली है हमारी ये इधर लेके आनी है। इसके लिए हम पहले ये अगले पिछले वाले दो फंदों को बना लेंगे। ये एक बना लिया, उतारना नहीं है लेकिन इन्हें सिलाई से। ये दूसरा बनाया हमने। अब हम आगे के दो बनाएंगे और इन चारों को उतार देंगे। धागा अपनी तरफ लाएं। ये इस तरह से रिपीट करते जाएंगे तो ये डिज़ाइन ऐसे बन जाएगा। अब हमने उल्टी सिलाई सारी उल्टी, उसके बाद एक सीधी एक उल्टी प्लेन, और फिर हमारा ये डिज़ाइन ऐसे ही बनेगा। और ये जो दो फंदे इधर आ गए हैं हम, अब हमने इनको उधर लेके जाना है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन बनाना आसान लगेगा और पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।